टॉक अबाउट इम्परफेक्ट कंपटीशन थ्रू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशंस और को पर बात हो रही है रिस्क और अनसर्टेनिटी यानी अनसर्टन रिस्क है नहीं अनसर्टेनिटी रिस्क है जी बिल्कुल है अनसर्टेनिटी रिस्क इक्व चेंज जी बिल्कुल है कॉम्पिटिशन परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है नहीं जी इम्परफेक्ट है इनपर्फेक्ट कॉम्पिटिशन होगा तो अनसर्टेनिटी होगी अनसर्टेनिटी होगी तो रिस्क होगा रिस्क होगा तो मिटिगेट किया जाएगा कैसे नाइट कहते हैं जीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इकोनॉमिक मॉडल वॉज दैट इंडिविजुअल इन इकोनॉमिक मॉडल वर्क गारंटेड नॉलेज ऑफ इवेंट एंड प्राइसिस फार बियॉन्ड व्यजुअल इन एक्चुअल वर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन कुड एवर प्रोजेस इन एक्चुअल Markets competition was imperfect because uh, participants could not know or now uh, what the model of perfect competition required them to know. So, known or unknown ka difference to many discuss kia. other factors were also important, but uncertainty for Knight was the most important reason why competition in the real world was imperfect. So, when there is th when, when things are unknown. जब आपके लिए अन होंगी चीज़ें अनदेखी होंगी सप्लाई चेन अनदेखा होगा रॉ मटेरियल अनदेखा होगा कहाँ से लाइंस लेनी है सेंट्रलेशन स्टेट से हमें लेनी है सेंट्रलेशन स्टेट से लेनी है मिडल ईस्टर्न एरिया से लेनी है इंडिया से हमारे ताल्लुक अच्छे नहीं है हम कैमिकल पहले वहां से लेते थे फिर हमें वाया बहुत लंबा पड़ गया वाया टर्की से लेकर हमें कहीं और से देना पड़ेगा और अगर फॉर एग्जाम्पल हम गवादर अच्छा बना देते हैं तो जो टर्की से चीजें आती थी जो टर्की को फायदा होता था वो गवादर को होगा या बाकी लोगों को होगा तो इस तरह सप्लाई चेन्स जब बेहतर होती हैं और या चेंज होती हैं या प्राइस बढ़ती है लॉजिस्टिक्स बढ़ते हैं या कम होते हैं तो इसका मतलब है कि कंपटीशन हमेशा इम्परफेक्ट रहेगा तो अनसर्टनिटी आएगी और आंटरप्रन के लिए रिस्क अनसर्टनिटी और इम्परफेक्ट कंपटीशन हर वक्त लाजिम और मजूम रहता है सो वोट दिस नाइट सेस उनका ऑर्गूमेंट ही नॉलेज ऑफ इवेंट्स एंड प्राइसिस पर है और वो बात ही यही कर रहे हैं कि ये ही डिटर्मेंड होती हैं और चेंज होती रहती हैं और इकोनॉमिक आइडिया के मुताबिक हमें इन चीजों को रिजल्ट ओरिएंटेशन पे लेकर आना चाहिए सिर्फ साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल सेंसेशनल चीजों पर नहीं रखा जाएगा अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देखूं कि हमारे सतपारा साहब जब तशरीफ ले गए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें मिटिगेट की होंगी लेकिन वहां तक के कुछ रिजल्ट वो बताते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपको किसी भी सूरत सर्टन नहीं हो सकती रिस्क का एलिमेंट टू हंड्रेड परसेंट होता है सो दिस इज हाउ वी डिस्कस इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी जगह जहां पे आप कॉम्पिटिशन किसी को नहीं दे सकते वो ये है कि जो आई इम्पॉसिबल चीज होगी अनोन होगी वही इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन देगी थैंक यू वेरी मच